पूरी दुनिया भर में डॉग्स की लगभग 360 ब्रीड्स पाई जाती है, लेकिन इन 360 ब्रीड्स में से कुछ ब्रीड्स अपनी इंटेलिजेंस की वजह से दूसरे डॉग से अलग पहचान रखती है। तो आज इस वीडियो में हम 10 ऐसी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स की बात करने वाले हैं, जिनका IQ लेवल किसी इंसान से कम नहीं है। वैसे IQ के साथ साथ कुछ तो ऐसे डॉग्स भी है जो इंसानों से भी ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए जाने जाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स के बारे में। नंबर 10, पैपिलॉन। पैपिलॉन डॉग्स दिखने में जितने हैंडसम और रॉयल होते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट डॉग्स माने जाते हैं। दरअसल पैपिलॉन को आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। यही नहीं, आपने डॉग शोज तो जरूर ही देखे होंगे, जिसमें डॉग्स रिंग्स के बीच में से जंप करते हैं। वो डॉग्स कोई और नहीं, पैपिलॉन्स ही होते हैं। अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये डॉग्स कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे इन इंटेलिजेंट डॉग्स की एज 12 से 15 साल तक की हो सकती है। साथ ही 8 से लेकर 11 इंच तक बढ़ने वाले इन डॉग्स का कलर व्हाइट और ब्लैक के साथ साथ व्हाइट लेमन और व्हाइट रेड कलर में भी पाया जाता है। वही इन इंटेलिजेंट डॉग्स को खाने में बोन्स और वेजिटेबल्स पसंद होती है। फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जैसी जगहों में पाए जाने वाले ये इंटेलिजेंट डॉग्स अलग अलग तरह की ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। ये इंटेलिजेंट डॉग्स कहीं भी जाने पर लोगों का अटेंशन पाते हैं। इसके साथ ही ये डॉग्स फैमिलीज में भी रह सकते हैं, हालांकि ये बच्चों से कम ही इंटरेक्ट करते हैं। इन डॉग्स को देखते ही ना चाहते हुए भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ ही जाती है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग। ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इन्हें पेट की तरह रखने पर ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता। दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में ये डॉग्स किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। छोटे मोटे कमांड्स को तो ये बड़े आसानी से फॉलो करते हैं। इनकी इन्हीं खूबी की वजह से इन डॉग्स को इंटेलिजेंट माना जाता है। वैसे इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये डॉग्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी माने जाते हैं। वही इन इंटेलिजेंट डॉग्स का कलर ब्लू और रेड के सिवा दूसरे अलग कलर्स में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में पाए जाने वाले ये इंटेलिजेंट डॉग्स लगभग 13 से लेकर 15 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वही इनका साइज 43 से लेकर 51 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही इन इंटेलिजेंट डॉग्स को खाने में मीट और एग्स पसंद होता है। अब तो आप भी मान गए होंगे ना कि ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग्स कितने अनोखे और इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 8, शेटलैंड शीप डॉग। शेटलैंड शीप डॉग जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उतने ही ज्यादा स्वीट और जेंटल भी माने जाते हैं। यही नहीं, ये इंटेलिजेंट डॉग्स अपने ओनर का कहा भी मानते हैं। इनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लोग इन्हें घरों में भी पेट की तरह रखते हैं। हालांकि ऐसा पाया गया है कि इन डॉग्स का एनर्जी लेवल बहुत ही कम रहता है, इसीलिए इनको रेगुलरली मेंटल एक्सरसाइज करवाते रहना चाहिए। आपको बता दे कि इन इंटेलिजेंट डॉग्स की उम्र 12 से लेकर 13 सालों के लगभग रहती है और इनका साइज 33 से लेकर 41 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। वही इन इंटेलिजेंट डॉग्स का वेट 4 से लेकर 12 किलो तक पहुँच सकता है। इन इंटेलिजेंट डॉग्स को खाने में फिश, चिकन, टर्की, बीफ के साथ साथ लैम्ब्स खाना भी पसंद होता है। आपको बता दे कि इंटेलिजेंट डॉग्स ज्यादातर स्कॉटलैंड जैसी कंट्रीज में पाए जाते हैं। नंबर 7, लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग्स। इन इंटेलिजेंट डॉग्स की बॉडी पर हल्के और छोटे हेयर पाए जाते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग्स को संभालना काफी आसान होता है। ब्लैक, चॉकलेट, येलो और ब्राउन कलर में पाए जाने वाले ये डॉग्स लगभग 12 से लेकर 14 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वही इन इंटेलिजेंट डॉग्स का साइज 71 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। अपने बड़े साइज की वजह से इन इंटेलिजेंट डॉग्स का वेट भी 25 से लेकर 36 किलो के लगभग पहुंच सकता है। वही इन इंटेलिजेंट डॉग्स को खाने में बीफ, लैम्ब, चिकन के साथ साथ एप्पल, बेरीज, कैरेट्स और पी यानी मटर खाना भी पसंद होता है। आपको बता दे कि ये डॉग्स काफी ज्यादा फनी और हैप्पी डॉग्स माने जाते हैं, लेकिन फनी होने के साथ साथ रेस्क्यू टीम की हेल्प करने में भी इन डॉग्स की हेल्प ली जाती है। पुलिस और आर्म फोर्सेस अक्सर इन डॉग्स का सहारा लेती है। कनाडा जैसी कंट्रीज में पाए जाने वाले ये डॉग्स जितने ज्यादा फनी होते हैं, उतने ही इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। नंबर 6, डॉबरमैन पिंचर डॉग्स। जर्मनी और इंडिया में पाए जाने वाले ये डॉग्स बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डॉग्स किसी भी कमांड को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही इंसानों के साथ रहने पर ये फैमिली के अकॉर्डिंग उनके द्वारा बनाए गए खास रूटीन को भी बहुत फॉलो करते हैं। वैसे इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये डॉग्स काफी ज्यादा फियरलेस, अलर्ट, एनर्जेटिक होने के साथ साथ अपने ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। यही नहीं, ये इंटेलिजेंट डॉग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक भी होते हैं। ये इंटेलिजेंट डॉग्स 10 से लेकर 13 सालों तक जी सकते हैं। वही इनका वजन 32 से लेकर 45 किलो के लगभग पहुंच सकता है और इनका साइज 61 से लेकर 72 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है।
इन इंटेलिजेंट डॉग्स के खाने की बात करें तो इन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फूड देना चाहिए जिसमें एग से लेकर चिकन जैसी चीजें शामिल है। नंबर 5, बेल्जियन मेलिनुआ डॉग्स। बेल्जियन मेलिनुआ डॉग्स को काफी इंटेलिजेंट डॉग्स माना जाता है। आपको बता दें कि इन डॉग्स को पुलिस के साथ साथ आर्मी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन डॉग्स को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल हैंडलर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन इंटेलिजेंट डॉग्स का वजन 18 से लेकर 34 किलो तक पहुंच सकता है और इनकी लंबाई 22 से लेकर 26 इंच तक पहुंच सकती है। आपको समझ आ गया होगा कि बेल्जियन मेलिनुआ को हैंडल करना क्यों मुश्किल होता है। वैसे इन इंटेलिजेंट डॉग्स की उम्र 12 से लेकर 15 सालों तक पहुंच सकती है। वहीं इन इंटेलिजेंट डॉग्स की बॉडी पर रेड, ब्राउन और ब्लैक कलर के अलग अलग शेड्स में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इन डॉग्स को खाने में ब्राउन राइस से लेकर चिकन, टर्की, लैम्स और बोन्स खाना पसंद होता है। वहीं दूसरी डॉग ब्रीड्स के कंपैरिजन में ये इंटेलिजेंट डॉग्स गजब के स्विमर भी होते हैं। नंबर 4, गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स। गोल्डन रिट्रीवर असल में लैब्राडोर डॉग्स की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। वैसे गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स काफी ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट होते हैं। इन इंटेलिजेंट डॉग्स का नेचर इंसानों के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है और इसी वजह से ये इंटेलिजेंट डॉग्स इंसानों के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी भी रखते हैं। अब जाहिर है ऐसे में ये इंसानों की बात भी मानते हैं और अपने ओनर के दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करते हैं। इसलिए इनको पेट की तरह रखना और हैंडल करना बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि इंटेलिजेंट डॉग्स बच्चों के साथ खेलने में भी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन इनको मेंटेन रखना काफी टफ टास्क होता है क्योंकि इनके फर बहुत ही बड़े होते हैं और ऐसे में टाइम टाइम पर इनको कॉम यानी कंघी करना पड़ता है। आपको बता दे कि इन इंटेलिजेंट डॉग्स की उम्र लगभग 10 से 12 सालों की होती है। अपनी पूरी जिंदगी में इन इंटेलिजेंट डॉग्स का साइज 51 से लेकर 61 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और इनका वजन 25 से लेकर 34 केजी तक पहुंच सकता है। वही इंटेलिजेंट डॉग्स को अक्सर डार्क ग्रीन से लेकर क्रीम और गोल्डन जैसे कलर्स में पाया जाता है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड डॉग्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन डॉग्स का ओरिजिन कंट्री जर्मनी है, इसी वजह से इनको ये नाम मिला। जर्मन शेफर्ड के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है। कमेंट करो अगर आपने इन डॉग्स के बारे में नहीं सुन रखा। जर्मन शेफर्ड डॉग्स की सबसे फेमस ब्रीड्स में से एक है। वैसे ये डॉग्स जितने ज्यादा पॉपुलर है उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। यही नहीं, ये डॉग्स स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, लार्ज साइज, स्पीड का कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। इसी वजह से इन इंटेलिजेंट डॉग्स को पेट रखने के साथ साथ डॉग स्क्वाड और आर्मी में भी यूज किया जाता है। यही नहीं, ये इंटेलिजेंट डॉग्स किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन को लर्न करने में भी माहिर होते हैं। लॉयल और ओबीडियंट माने जाने वाले जर्मन शेफर्ड लगभग 9 से 13 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वहीं इन इंटेलिजेंट डॉग्स में एक फीमेल का साइज 55 से 60 सेंटीमीटर तक तो एक मेल का साइज 60 से लेकर 65 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वहीं इन इंटेलिजेंट डॉग्स का कलर ब्लैक, ब्लैक और सिल्वर के साथ साथ ब्लैक और टैन जैसे शेड्स में भी पाया जाता है। वहीं इन इंटेलिजेंट डॉग्स को खाने में चिकन जैसी चीजें पसंद होती है। नंबर 2, पूडल डॉग। पूडल डॉग्स की पूरी दुनिया भर में 3 स्पीशीज पाई जाती है। हालांकि स्पीशीज कोई भी हो पर इनकी इंटेलिजेंस में कभी कमी नहीं आती। दरअसल इन डॉग्स को काफी पहले से हंटिंग डॉग्स की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन डॉग्स का इंसानों से अच्छा रिश्ता है और इसी वजह से इन्हें ट्रेन करना भी पॉसिबल है। जाहिर है जो डॉग्स हंट कर सकते हैं तो वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंटेलिजेंट डॉग्स स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी परफॉर्म करते हैं। वैसे इन इंटेलिजेंट डॉग्स की बॉडी पर कर्ली हेयर पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा घने होते हैं, इसलिए इन डॉग्स को इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। आपको बता दे कि फ्रांस और जर्मनी के ओरिजिन वाले इन डॉग्स की उम्र 10 से 12 सालों तक की ही हो सकती है। वही इन इंटेलिजेंट डॉग्स का साइज 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर के लगभग रहता है और इनका वजन 20 से लेकर 32 किलो के लगभग रहता है। इन डॉग्स का कलर ब्लैक, क्रीम, ग्रे, ब्लू, ब्राउन और सिल्वर कलर में पाया जाता है। एक पूडल डॉग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, एक्टिव और फेथफुल नेचर का माना जाता है। नंबर 1, बॉर्डर कॉली डॉग। बॉर्डर कॉली को दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड माना जाता है। ये डॉग्स हाइपर इंटेलिजेंट होते हैं। आपको बता दे कि ये डॉग्स दिन में लगभग 10 घंटों तक लगातार खेतों में काम करने के बाद भी नहीं थकते और इतना ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी ये आसानी से अपने ओनर के साथ वॉकिंग पर जा सकते हैं। इन इंटेलिजेंट डॉग्स का काफी जनरेशन पहले से ही इंसानों के साथ इंटरेक्शन रहा है।
इसी वजह से ये इंटेलिजेंट डॉग्स काफी ज्यादा लॉयल और लविंग नेचर के होते हैं। आप इन डॉग्स को घर की एक्टिविटीज बताए या ना बताए, ये अपने आप देखकर ही हर चीज फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग करने लगते हैं। ऐसे ही नहीं, इस डॉग को नंबर वन पर रखा गया है। यहाँ तक कि ये इंटेलिजेंट डॉग्स बच्चों और दूसरे जानवरों के साथ भी घुल मिल जाते हैं। लगभग 10 से 17 सालों तक जिंदा रहने वाले ये पेट्स काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। वैसे जहाँ एक मेल कॉली का साइज 48 से लेकर 58 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, वही एक फीमेल कॉली का साइज 46 से लेकर 53 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। वही इनके शरीर पर ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड और गोल्ड जैसे कलर्स पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इन इंटेलिजेंट डॉग्स को खाने में रॉ मीट, रॉ वेजिटेबल्स, मीटी बोन्स, फिश के साथ साथ एग्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाना पसंद होता है। मतलब ये इंटेलिजेंट डॉग्स हर तरह का खाना भी खा सकते हैं और लगभग हर तरह के माहौल में रह भी सकते हैं। सच में डॉग्स हो तो बॉर्डर कॉली जैसे। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी डॉग ब्रीड आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपने इनमें से किस ब्रीड के बारे में पहले भी सुन रखा था। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।